The Black Panther has been the protector of Wakanda for generations. So I ask you, as both warrior and king, how long do you think you can keep your friends safe from me? मार्वल के किस शो का कनेक्शन वकांडा से दिखाया गया? क्या चैडविक को डिजिटली ब्लैक पैंथर दिखाया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सोलो सुपरहीरो मूवी ब्लैक पैंथर की अपकमिंग सीक्वल ब्लैक पैंथर 2 के बारे में। मार्वल ने मेकिंग में लगभग एक डिकेड से यानी कि 10 साल लगा दिए, लेकिन किसी भी सोलो मूवी ने ऐसा इम्पैक्ट नहीं डाला जैसा कि ब्लैक पैंथर ने डाला था। ब्लैक पैंथर एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी, वो भी एक ब्लैक कैरेक्टर द्वारा, जिसमें लगभग पूरी कास्ट ब्लैक ही थी। ब्लैक पैंथर एक कल्चरल फिनोमिनल मूवी थी और मूवी में एक मेन स्लोगन था, वकांडा फॉरएवर। सभी फैंस की जुबान पे हमेशा रहने वाला था ये। फिलहाल मार्वल की सबसे पहले फेज 4 की रिलीज डेट एक मिस्ट्री ही है। ब्लैक पैंथर 2 की डेट्स का भी मार्वल ने अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स नहीं किए हैं। रियान कुगल ने ब्लैक पैंथर मूवी की स्क्रिप्ट भी लिखी है और मूवी के डायरेक्शन भी खुद ही की है, और ये भी काफी एक्सपेक्टेड था कि रियान कुगलर ही ब्लैक पैंथर 2 के ऊपर काम करेंगे। अगस्त 2020 में चैडविक बोसमैन यानी कि हमारे ब्लैक पैंथर की उनकी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है, जिसका पूरे मार्वल यूनिवर्स को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। और वहीं फैंस का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ब्लैक पैंथर 2 मूवी बनेगी, और उससे रिलेटेड उस समय काफी रूमर्स चल रहे थे कि चैडविक को डिजिटली ब्लैक पैंथर 2 में दिखाया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे पॉल वॉकर्स को फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में दिखाया गया था उनकी डेथ के बाद। लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने इन सभी रूमर्स को गलत साबित करते हुए ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और मार्वल यूनिवर्स में सिर्फ एक ब्लैक पैंथर रहा था और वही रहेगा, और वो है चैडविक बोसमैन, और वो मूवी में किसी भी तरह से ब्लैक पैंथर को रीकास्ट नहीं करेंगे। ब्लैक पैंथर 2 को लेकर काफी ज्यादा चर्चा की गई है, और हाल ही में हुए मार्वल के शो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर ने सभी सवालों के एक शानदार आंसर दिया। बाकी ज़ेमो को जेल से भागा ले जाता है, जो कि वकांडा के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ा गुनहगार है, जिसकी वजह से ओकोयो मद्रीपुर जाते हैं और बकी की बात करते हैं, जिसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लैक पैंथर 2 के साथ मार्वल काफी डीप कनेक्शंस बिल्ड कर रहे हैं। आप किस मूवी के बारे में क्या सुपरनैचुरल कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें आप अपने विचार बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है अभिषेक मिकी ने।